रे कान्हा रे, तूने लाखों रास रचाए, फिर काहे तो से और किसी का प्यार ना देखा जाए। कान्हा रे कान्हा शास्त्रीय संगीत में रुचि रखने वाले सभी गुणीजनों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हमारा हमेशा यही प्रयास रहा है कि राग की पहचान, राग का परिचय आपसे हो, और इसी सिलसिले में आज का राग जो हमने चुना है वो है राग मारवा। राग मारवा की जानकारी हम हासिल करेंगे उच्च विद्या विभूषित ख्यातनाम शास्त्रीय संगीत गायक श्रीमान विजय जी कोपरकर जी से। सर, आज हमने जो राग चुना है वो राग मारवा। एक ऐसी आर्त धुन याद आती है राग मारवा का नाम लेते ही। राग मारवा का जो प्रधान स्वर समूह है जिसे हम आरोह अवरोह कहते हैं, वही शास्त्रीय संज्ञा है, तो उसी के बारे में हम जानना चाहेंगे। मैं दोनों चीजें आपको गा के बता देता हूँ। आरोह अवरोह और राग का जो प्रमुख अंग है उसको हम राग की पकड़ बोलते हैं, वो दोनों आपको मैं गा के दिखाता हूँ। गरे करे ने धने रे धरे खाली उसका आरोह अवरोह नि रे गा मद नि रे रे सा नि रे रे नि रे नि द द म ग रे ग रे नि र रे सा। तो इसमें पकड़ और आरोह अवरोह में फर्क क्या हुआ? मतलब ये अभी मैंने आरोह अवरोह खाली जो बताते हैं नि रे गा म द नि सा रे नि द म ग रे सा, लेकिन इसे मारवा का पूर्ण स्वरूप नहीं मालूम होता है, इसलिए मैं दोनों का आरोह में भी थोड़ा उसको जो स्वरूप है मारवा का दैवत का ज्यादा प्रमाण लेते हैं वो आरोह में ही आरोह अवरोह में ही लेना चाहिए, तो उसे ही पूर्ण ज्ञान हो सकता है कि यही अपना मारवा का आरोह और अवरोह है। इससे और एक बात जहन में आती है कि ये आपने दैवत का जिक्र किया, तो इसके वादी संवादी कौन से है? मारवा ऋषभ दैवत है, ऋषभवादी दैवादी संवादी। और इसका भाव या इसकी जो प्रकृति है, इसका स्वभाव है, उसमें आप महसूस कर सकते हैं कि अपूर्णता है, विरह जैसा कि कोई चीज अंतिम तक नहीं जा रही है। इसका कारण यही है कि इसी राग में पंचम बिल्कुल नहीं है, जो अपना आधार होता है षड्ज पंचम, उसमें पंचम नहीं है, और जो सा है वो बहुत कम लेना
जितना कम ले लेंगे उतना मारवा अपना अधिक अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए ये अपूर्णता जो आती है इसी राग में, उसी उसका जो मूड है वो वही होता है। तो शायद फिर इस हिसाब से देखा जाए तो जो गाना हमने शुरू में यहाँ पेश किया था, हाँ, वो तो फिर उसके सुर भले ही मारवा जैसे हो लेकिन नहीं, लेकिन वो फिल्मी गाना है, उसमें थोड़ी मिलावट होती है क्योंकि शुरुआत ही उसमें शर्ज में थी या, और शायद फिर अभी आरोह में जो नहीं आया था वो भी एक सुर इसमें, वो भी सुर उसमें आते हैं, लेकिन फिल्मी सॉन्ग में वो अलाउड है, वो उनके मूड के लिए वो लेते हैं, लेकिन अपना शास्त्रीय संगीत में ये वो नहीं होता, वो नहीं होता। अच्छा, इसीलिए शास्त्र शुद्ध होते हैं। जी, आपने स्वर ज्ञान बता दिया हमें, तो हमारी एक आरजू है कि ख्याल गायन जो है, क्योंकि जी हाँ, मैं एक मध्यलय बंदिश, मध्यलय में एक ताल में जो बंदिश है वो मैं अभी पेश करता हूँ। बिल्कुल। सब मिल बखाने हो गुनिया में, हो गुनिया, हो गुनिया में, गावो बजाओ, गावो बजाओ, सप्त सुरन के भेद सब मिल खाने हो, हो गुनिया न मेल, हो गुनिया मरनी दानी, मरनी मरनी रानी रानी मद मगर सा, गुनियन सब होत नाही, गुनियन सब होत नाही, गुनियन रामा रामा रे रहो।
बहुत अच्छा, क्या बात है। अच्छा विजय जी, ये मध्य लय की बात हुई, तो लय के प्रकार क्या क्या हैं और उनका महत्व क्या है, उनका रिश्ता कहाँ कहाँ तक है? हाँ, हम जब भी राग पेश करते हैं तो शुरुआत में उसको राग का जो सुर है, सुर का भाव है, और वो राग का जो स्वरूप है, सुर के माध्यम से उसका जो भाव आविष्कार है, वो करने के लिए हम आलापी जो करते हैं, आलाप लेते हैं और सुर के हिसाब से उसको सजाते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है, ताल की ज़रूरत उतनी होती नहीं क्योंकि उसको सुर को इम्पोर्टेंस है। या शायद यूं कहा जाए कि दो मात्राओं के बीच अधिक समय की हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको विलंब पद बोलते हैं हम, क्योंकि वो कम लय में उसे ख्याल बोलते हैं। ख्याल यानी हमारे जो विचार है उसी राग के अनुसार, वो हम कम लय में आलापी के माध्यम से वो राग का पूरा आविष्कार हम करते हैं। ये होने के बाद हमें थोड़ी लय बढ़ाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्वर, लय और शब्द, उन्हीं तीनों के माध्यम से हम वो राग का आविष्कार और आगे कुछ लेना चाहते हैं। वो पूरा होने के बाद उसमें बोल अंग आता है, उसमें सरगम आता है, थोड़ी सी कम लय में तान का प्रकार भी आता है, और उसके बाद हम लय बढ़ा के उसको द्रुत लय में, द्रुत लय में तान का आविष्कार होता है, उसका राग का जो पूर्ण जो स्वरूप है वो तब पूरा होता है। ये सबके लिए, सब लय का हमें, यानी कम लय, मध्यम लय और द्रुत लय, उसका हम यूज करते हैं। यानी अगर चावल ली जाए तो उसका राजमा के साथ भी चावल बनेगा, उसका पुलाव भी बनेगा, उसकी बिरयानी भी बनेगी, उसका कोई उसकी कोई मीठी डिश भी बन जाएगी। तो चावल के सभी गुण उसमें आ जाएंगे। ये मारवा के बाद बारे में, तो मध्य लय के बाद फिर जो द्रुत आएगी, द्रुत बंदिश है, वो सुनाई। हाँ, बोला न बिना कबा हूँ, ये द्रुत तीन ताल में जो बंदिश है वो मैं अभी पेश करता हूँ। बोला न बिना कबा चना, 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 न भारत बिहरावा जो चा हे रसम बोला न बिना का बोला न बिना का चना, बोला न बिना का करो हरण से तू भलाई पित करो मन के रगिले अबे बोला न सोना बोला न बिना काम चना बोला न बिना भलाई पित करो मन के रंगी
क्या बात है, वाह वाह। सर अभी हमने जो किया वो लय विचार था, यानी कि लय उसकी ज़रूरत, भावाभिव्यक्ति के लिए उसकी ज़रूरत क्या है ये आपने बताया, मगर ये जो राग है इसका एक विशिष्ट समय निर्वाचित है, तो समय के बारे में हमने बात नहीं की। ये राग तो शाम को गा सकते हैं हम जी, 6 बजे के बाद जी, और 7-7.30 बजे तक जी उसका वो अवसर है। इन्हें अपना भीमपलास मुल्तानी के आगे और यमन के पहले जी, यानी पुरिया धनाश्री है, पुरिया है, मारवा है, इसी का एक ही समय है। आपने अभी पुरिया धनाश्री की बात छेड़ी है, तो एक 2-3 राग जो ऐसे हैं जो मारवा से मेल खाते हैं। ऐसा होता है कि हम लोग गाने सुनते हैं, जैसे अभी ये शुरू का जो गाना था, तो सुन के सुरावट तो उसकी जो है वो कहीं मालूम होती है कि मारवा की तरह है, उसकी पहचान थोड़ी सी मुखड़ा उसका मिलता है थोड़ा सा, लेकिन ये बता पाना मुश्किल होता है कि ये मारवा ही है या नहीं, क्योंकि जैसे आपने अभी मारवा का जो अंग बताया था उसके मुकाबले ये जो गीत था कान्हा रे कान्हा, ये पूरा चर्च के आसपास घूम रहा था और आपने मध्य चर्च के आसपास इसकी बढ़त बताई थी, तो ये क्यों होता है? ये जो अलग अलग तरह का मूड जो हमें लगता है राग में जी, उसका यही कारण है कि आप कौन से सुर को इम्पोर्टेंस देते हैं। यानी अभी मारवा में ऋषभ धैवत को दिया तो वो मारवा हो गया, गंधार निषाद दिया तो पुरिया हो गया, निषाद ऋषभ कर दिया तो सोनी हो गया जी। तो मैं आपको गा के दिखाता हूँ क्योंकि ये डिफरेंस तो बहुत है जी। और आम आदमी भी उसको जान सकता है कि ये कितना काफ़ी डिफरेंस है उसमें। रे गा मा दा धा मा गा रे, रे गा मा दा मा गा रे ने दा रे गा रे ने दा रे सा, ये हो गया मारवा। रे गा मा दा गा मा ने पुरिया हो गया। और सोहनी जो है वो उत्तरांग प्रधान है और उसमें काफी षड्ज को ज्यादा प्राधान्य दिया है। महारानी सरसा उत्तरांग का मतलब हम तो समझ पाए, लेकिन उत्तरांग प्रधान ने पंचम के ऊपर जो है, पंचम के ऊपर और षड्ज के ऊपर उसको उत्तरांग बोलते हैं, और षड्ज और ऊपर का षड्ज उसमें मध्य बोलते हैं। पंचम के नीचे अगर उसको ज्यादा अहमियत हो तो पूर्वांग प्रधान, पूर्वांग प्रधान। तो इस हिसाब से मारवा और पुरिया को क्या हो गया? पूर्वांग प्रधान, दोनों पूर्वांग। लेकिन ऋषभ धैवत और मध्यम निषाद के अहमियत की वजह से उनके या उसका न्यास बदलने के वजह से, और वो फ्रेजेस भी बदलती है उसका, इसी वजह से वो अलग अलग रीत से हम उसको आविष्कार करते हैं जी। तो ये मारवा से मेल खाते राग आपने बताए, हाँ। फिर से आ जाए मारवा के दौर में, हाँ, 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 हाँ। और अभी आपने जो लय की बात छेड़ी थी, हाँ, हाँ। तो द्रुत लय में एक बंदिश सुनना, हाँ, जरूर पसंद करेंगे, हाँ, हम लोग। मैं तो कहूँगा कि ये जो 3 ताल में अभी अपने बोलो ना बिना का वो सुना, हाँ, उसका मतलब अब लय की जो बात हो रही है, ऐसे हो सकता है कि
ताल बदल दिया जाए और बंदिश उस नए ताल में गाई जी जाए। हाँ जी हाँ, पहले मैंने ये बंदिश तीन ताल में जो गाई है, हमारे गुरुजी वसंतराव जी देशपांडे उसको एक ताल में गाते थे। क्या बात है। हाँ, और वो थोड़ा द्रुत एक ताल में गाते थे, वो उसी ढंग से मैं एक ताल में आपको यही बंदिश बोलन बिनक का बहु गा के दिखाता हूँ जी। और बंदिश सुनने से पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्यों ना इसी आविष्कार से हम आज के एपिसोड का समापन करें। जी हाँ। बोला न बिना काबो चन, बोला न बिना काबो चन, बोला न बे काबो चन नए परत पियर बाजो चाहे रस आबे माँ। बोला न बिना काबो चन, बोला न बिन काबो चन, बोला न बिना का हरन से तू भलाई, हरन से तू भलाई पीत करो मन के रंगीले हमें बोले न सोना। बोला न बिन कब चन, बोला न बिन कब, बोला न बिन कब, बोला न बिन कब।